मैं जानता हूं सब कुछ ठीक नहीं है। सिर्फ साई ही नहीं, गांव के बाकी लोग जिन्हें न्योता दिया है वो भी नहीं आए। जरूर कुछ बात है। मैं द्वारका में होके आता हूं। रामदास जी, सांसें धीमी हो रही है, ये ऐसा ना हो कि साई हम सबको छोड़कर। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? साई कहीं नहीं जाएगा। साई उठो, साई, साई। पंडा जी, ये बुढ़ा तो अभी तक मरा ही नहीं है। हाँ संता जी, इन मूर्खों को अभी भी उम्मीद है कि ये बचेगा। क्या हुआ मेरे साई को? बताइए ना, क्या हुआ मेरे साई? भाई जक्का, आपने तो कहा था साई बाहर गए, तो वापस कब आ गए और इनकी तबीयत को क्या हुआ बताइए ना। हाँ साई, साई कहीं बाहर नहीं गए थे रामदास जी। तीन दिनों से साई बहुत बीमार है। क्या साई तीन दिन से बीमार है? इतनी बड़ी बात और आपने ये बात मुझसे छुपाई? और मैं भी मूर्ख, आपकी बात मान ली। यहां आकर एक बार देखा भी नहीं। क्यों किया इतना भरोसा मैंने आप पर? क्यों नहीं बताया? बताइए ना।
इसमें इनका कोई दोष नहीं है काका। साई का आदेश था कि आपको कुछ पता ना चले। साई की इच्छा थी कि आप मिताली की शादी अच्छे मन से कर सके। अगर आपको बता देते कि साई को दिल का दौरा पड़ा है तो इनकी हालत सचमुच बहुत नाजुक है। ये क्या बात है साई? आपने मुझे वचन दिया था कि मेरी बेटी की शादी में आप आएंगे, उसे आशीर्वाद भी देंगे। आपने आपका वचन तोड़ दिया है साई। मिताली की विदाई भी हो गई और आप आए ही नहीं, और इन सब का मुझे पता भी लगने नहीं दिया। ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई थी कि एक ही वक्त आप मुझे मेरी बेटी और गुरु के विदा होने का दुख दे रहे हैं? भक्तों का सपना पूरा करना ये आप अपना कर्तव्य समझते हैं ना? भक्तों की इच्छा हर हाल में पूरी करते हैं। तो मेरी बेटी की शादी में आपका होना ये मेरा सपना आपने क्यों पूरा नहीं किया? पता है ना साहिब, जवाब दीजिए। दुनिया भर के रोग ठीक करते हैं आप, तो आप अपने आप को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं? जवाब दीजिए मुझे साई, जवाब दीजिए मुझे साई, जवाब दीजिए। बताइए ना साई, आप क्यों नहीं आए? अगर साई मिताली के शादी में आता तो वो शादी आप नहीं देख पाते। मैं कुछ समझा नहीं। भाई साहब, क्या कोई ऐसी बात है जिससे हम सब अनजान हैं? बताओ भाई साहब, ऐसा बताओ। तुम्हें मेरी कसम है भाईसा, बता दो। मुझे माफ कर दो साईं, तुम्हारा भक्त तुम्हें गलत समझे ये मैं कैसे होने दूं? साई ने मुझे बताया था कि मिताली के मेहंदी का दिन आपके जीवन का आखिरी दिन होगा। आपको याद है मेहंदी के दिन आपके दिल में तेज दर्द हुआ था, आपको दिल का दौरा पड़ा था,
लेकिन साई ने आपको वचन दिया था कि मिताली की शादी बिना किसी बाधा के होगी और आप उसको विदा कर सकेंगे, इसलिए आपके दिल का दौरा साई ने अपने ऊपर ले लिया। आज एक आखिरी इच्छा है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मिताली की शादी बिना विघ्न के खुशी खुशी हो जाए। उदारता के सारे मापदंडों को कोसों दूर छोड़ा अपने, मैं चाहकर भी 100 जन्म तक इस रूप से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन अब मिताली की शादी हो गई, मेरी हर इच्छा पूरी हो गई, अब तो उठ जाइए ना। मेरे हिस्से की मौत मुझे दे दीजिए। सही, उठ जाइए ना। वैसे भी ये बोझ लेकर जीना असंभव है। तेरे जैसे लाखों रामदास है जिनकी आपको मदद करनी है। इसलिए आपको उठना ही होगा साई, उठ जाइए ना साई। साई उठ जाइए ना साई, सही उठ जाइए। दर्द मेरे खुद सारे लेकर तुमने कराया पार, दर्द मेरे खुद सारे लेकर तुमने कराया पार। अनगिन है उपकार साईवर, अनगिन है उपकार साईवर, कृपा है अपरंपार, कृपा है अपरंपार। दर्द हमारे सारे लेकर तुमने कराया पार, दर्द हमारे सारे लेकर तुमने कराया पार। अनगिन है उपकार साईवर, कृपा है अपरंपार, कृपा है अपरंपार। कहे
सुनते हो जो हर अभिलाषा जीवन की, जान लो तुम ही मेरे साईं, ये पीड़ा मेरे मन की। रंग तुमरा कैसे चुकाऊं, दुविधा हल तुम कर दो, तुम्हारे चरण विश्राम मैं पाऊं, बस इतना ही वर दो। इतनी अर्ज सुनो मेरे साईं, बिनती सौ सौ बार, इतनी अर्ज सुनो मेरे साईं, बिनती सौ सौ बार। अनगिन है उपकार साईं वर, कृपा है अपरम वापस आओ, मैं लिए खोलो कुछ तो बोलो साईं, जरा मुस्कुराओ। इतनी अरज सुनो जरा साईं, बिनती सौ सौ बार, बिनती सौ सौ सारे का पता पानी सा।
संता जी, ये फकीर तो उठ के बैठ गया। हाँ संता जी, छोटी मालकिन को ये बुरी खबर देनी होगी। चलिए 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 चलिए। ऐसा क्यों किया साई? मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाली? मेरी सारी तकलीफें अपने ऊपर क्यों ली? रामदास, तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो, तो क्या मैं तुम्हारा थोड़ा सा दर्द नहीं बांट सकता हूं? तुमने इतने लोगों को खुशियां दी हैं, तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी का विवाह बिना किसी पीड़ा के देखने की खुशी नहीं दे सकता? लेकिन अब सब काम पूरे हो चुके हैं, अब मेरे हिस्से का दर्द मुझे दे दीजिए। तुम्हारे हिस्से का दर्द तुम्हें पहले ही मिल चुका है रामदास, अब केवल उसका परिणाम आना शेष है। उस परिणाम के लिए मैं तैयार हूं। सब क्यों हो रहा है? इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है साई? बिगाड़ा है काकी, लेकिन किसी और का नहीं, अपना ही। रामदास, तुम बस ये भूल कर बैठे कि दूसरों की सेवा में तुमने अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं दिया। रामदास, तुमने औरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी तो निभाई, लेकिन अपने प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना भूल गए। अरे 300 रुपये, 400 रुपये। 400 की कीमत लगी है हमारी इतने सालों की यादों की, लेकिन आपके साईं, जिनका नाम दिन भर इस घर में गूंजता था, वो तो अनजान है आपसे। आप अपने मन से साईं को निकाले या ना निकाले, लेकिन मैं अपने इस घर को छोड़ने से पहले आपके साईं को निकाल के रहूंगी।